आपका वेदिका किचन किंग में स्वागत है। मैं आज आपको पालक पनीर की सब्जी बनाकर दिखाऊंगी। देखिए, मैंने कुछ ताजे पालक तोड़ लिए। इसमें छोटे बड़े पत्ते भी हैं। मैंने बड़े बड़े पत्ते को तोड़ लिए, छोटे पत्ते को मैं छोड़ देती हूँ। ताजे पालक की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं पालक पनीर एक नए तरीके से बनाकर दिखाऊंगी। देखिए, मैंने पालक को धोकर छानकर रख लिया। कुछ सामग्री ले लिया, जिसमें 250 ग्राम पनीर, 2 मीडियम साइज के टमाटर मैंने काट के रख लिए, 500 ग्राम पालक ले लिया और कुछ रूटीन मसाले भी ले लेती हूँ। मैंने चूल्हे पर पानी को रख दिया है, जिसमें मैं पालक को उबालूंगी। पानी मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें पालक डाल लेती हूँ। ज़्यादा देर नहीं उबालूंगी, 3 से 4 मिनट तक उबाल के हम उतार लेंगे इसे। अब मैं इसे ढक लेती हूँ। अब मैं इसके ढक्कन को हटा लेती हूँ। पालक मेरा वो अच्छे से उबल चुका है। मैं इसे उतार लेती हूँ। इसे मैं छान कर एक दूसरे बर्तन में निकाल लूंगी। अब मैं इसे कुछ देर ठंडा होने के बाद पीस लूंगी। अब पालक ठंडा हो चुका है, मैं इसे पीस लेती हूँ, जिसमें मैंने आधा चम्मच जीरा और काली मिर्च भी डाल लिया। अब मैं इसे बारीक पीस लूंगी। अब मैं इसे उठा लेती हूँ एक कटोरे में। ऐसे ही करके मैंने 2 से 3 बारी पीस लिया पालक को। कढ़ाई को रख लेती हूँ। कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है, मैं इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालूंगी, बड़े चम्मच से। अब मैंने इसमें जीरा डाल लिया। जीरा चटकने तक इंतज़ार करते हैं। देखिए, अब इसमें मैं 2 हरी मिर्च भी डाल लेती हूँ, जिसको मैंने बीच से काट के रख लिया था। इसमें मैंने अदरक का पेस्ट डाल लिया। अब मैं इसमें कटे हुए टमाटर भी डाल लेती हूँ। इसे चला लेती हूँ। नमक डाल लिया स्वाद के अनुसार। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लेती हूँ। आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल लेती हूँ। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। अब इसे अच्छे से भून लेती हूँ। तब तक भूनूंगी जब तक मसाला पक ना जाए। दो से तीन मिनट के लिए ढक कर छोड़ देती हूँ। अब मैं इसके ढक्कन को हटा लेती हूँ। देखिए, टमाटर मेरा गल चुका है। मसाले को चलाती रहूंगी ताकि चिपके ना। अब मैं इसमें पिसा हुआ पालक भी डाल देती हूँ। अब इसे अच्छे से मिला लूंगी मसाले के साथ। अब मैं इसे कुछ देर के लिए ढक कर छोड़ देती हूँ।
देखिए अब मैं ढक्कन हटा लेती हूँ, इसे अच्छे से चला लेंगे। अब मैं इसमें क्रीम डाल लेती हूँ जो मैंने घर पे ही तैयार किया था। बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती भी डाल लेती हूँ। आधा चम्मच गरम मसाला डाल लेंगे। गरम मसाला इसलिए ऊपर से डाले हैं ताकि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। अब मैं इसमें पनीर डाल लेती हूँ जिसे मैंने काट के रख लिया था। ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार होगी। अब मैं इसे चला लूंगी। देखिए आप देख सकते हैं सब्जी कितना अच्छा बना है। अब हम इसे गार्निश करने के लिए कद्दूकस करा हुआ पनीर भी डाल लेते हैं। देखिए अब मेरी सब्जी बनके तैयार है। देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में और खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट होगा। अब मैं इसे उतार लेती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।